Hi guys, I am Neetu Nigam and welcome to my channel, My Parsara by Neetu Nigam. आज मैं आपके लिए SOF Olympiad से Computer Science Olympiad के questions paper, sample paper और उसकी details समझानेंगे कि इसकी exam कब होती है, किस organization द्वारा exam ली जाती है, exam की date क्या है, बच्चे exam कैसे दे सकते हैं और कौन कौन से class के बच्चे इस exam में बैठ सकते हैं, एग्जामिनेशन फीस क्या है, एग्जाम कब होती है, एग्जाम की लैंग्वेज क्या रहेगी, ड्यूरेशन क्या रहेगा, बच्चे कहाँ से एग्जाम देंगे, ये सारे सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये साइंस ओलंपियाड फाउंडेशन द्वारा ये एग्जाम ली जाती है। इस एग्जाम में क्लास फर्स्ट से 10 तक के कोई भी बच्चे, चाहे वह किसी भी बोर्ड से हों, इस एग्जाम में बैठ सकते हैं। एग्जाम लेवल मैट्रिकुलेट रहता है और एप्लीकेशन प्रोसेस बाय रेस्पेक्टिव स्कूल अथॉरिटीज होती है, अर्थात आप इस एग्जाम में पार्टिसिपेट स्कूल के द्वारा ही करवा सकते हैं बच्चों को। खुद बच्चा इंडिविजुअल या ऑनलाइन एग्जाम इस ऑर्गेनाइजेशन द्वारा नहीं ली जाती है, स्कूल से ही इस एग्जाम की फॉर्म भरे जाते हैं और फिर एग्जाम होती है। एग्जाम लेवल में एग्जाम दो डेट है, लेवल वन की एग्जाम 20 दिसंबर 2024 और 21 जनवरी 2025, दो डेट दी गई है कंप्यूटर्स एग्जाम के लिए, जिसमें से स्कूल, कोई भी स्कूल जिस स्कूल में बच्चा आपका पढ़ता है उस स्कूल में इन दो डेट में से कोई भी एक डेट स्कूल चूज कर सकता है और इसी दो डेट में से जो डेट आपके स्कूल द्वारा चूज की गई है उसी डेट पर आपको एग्जाम देना होता है। एग्जाम मोड ऑफलाइन होता है, अर्थात एग्जाम स्कूल से ही होते हैं। फी ऑफ रजिस्ट्रेशन ₹125 होती है और यह साल में एक बार ली जाती है। और ऑब्जेक्टिव अर्थात एग्जाम का उद्देश्य क्या है, टू आइडेंटिफाई द फॉस्टर पैशन फॉर टेक्नोलॉजी। लैंग्वेज इंग्लिश यूज किया जाता है, अर्थात क्वेश्चन पेपर पूरे इंग्लिश में रहेंगे और ड्यूरेशन 1 आवर्स, 1 घंटे का टाइम रहता है। अब इसके हम सिलेबस और सैंपल पेपर 2024-25 के लिए हम देखेंगे। सबसे पहले इसके हम सिलेबस देखते हैं। ये सिलेबस एंड सैंपल पेपर 2024-25 के लिए क्लास थर्ड के लिए हम देख रहे हैं। सबसे पहले क्वेश्चन पैटर्न जो है एग्जाम का, क्वेश्चन पेपर चार पार्ट में बटा रहता है। पहला लॉजिकल रीजनिंग, दूसरा कंप्यूटर साइंस, तीसरा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और चौथा अचीवर सेक्शन। यानी चार सेक्शंस में हमारा क्वेश्चन पेपर कंप्यूटर साइंस का बटा हुआ होता है। फर्स्ट सेक्शन लॉजिकल रीजनिंग से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिससे 5 क्वेश्चंस रहते हैं और पर मार्क्स 1 क्वेश्चंस रहते हैं। कंप्यूटर साइंस जो कि उनका अपना क्लास वाइज जो सिलेबस होता है ऑलमोस्ट वही सिलेबस रहता है, उससे 20 क्वेश्चंस रहते हैं, पर क्वेश्चन 1 मार्क्स रहते हैं। थर्ड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिससे 5 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और पर क्वेश्चन मार्क्स पर क्वेश्चन 1 मार्क्स रहते हैं। एंड अचीवर सेक्शन से 5 क्वेश्चंस रहते हैं और पर क्वेश्चंस 2 मार्क्स रहते हैं। चलिए अब इसके हम सिलेबस देखेंगे। टोटल जो है 35 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और टाइमिंग 1 आवर्स का रहता है। सिलेबस 4 सेक्शन में, सेक्शन 1 में पैटर्न, एनालॉजी एंड क्लासिफिकेशन, अल्फाबेट टेस्ट, कोडिंग डिकोडिंग, रैंकिंग टेस्ट, ग्रुपिंग ऑफ फिगर एंड फिगर मैट्रिक्स, मिरर इमेज, जियोमेट्रिकल शेप, एम्बेडेड फिगर, पॉसिबल कॉम्बिनेशंस, क्लॉक एंड कैलेंडर। ये हमारा फर्स्ट रीजनिंग से टॉपिक्स रहता है। सेकंड हमारा हो जाता है कंप्यूटर से फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर, जनरल इंफॉर्मेशन अबाउट कंप्यूटर, स्टोरेज डिवाइस, पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, यूसेज ऑफ कंप्यूटर, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस, इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट, MS पेंट, इंट्रोडक्शन टू MS वर्ड, ओपनिंग क्लोजिंग सेविंग एंड प्रिंटिंग, अ वर्ड डॉक्यूमेंट, कंपोनेंट्स ऑफ वर्ड विंडो, एडिटिंग, कमांड लाइक कट कॉपी पेस्ट, अंडू एंड रीडू, मूविंग अ डॉक्यूमेंट यूजिंग होम एंड कीज। सेक्शन 3 में IT गैजेट, डिवाइस एप्स, कंप्यूटराइजेशन एंड अदर डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ IT। एंड सेक्शन 4 हायर ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चन, सिलेबस एज पर सेक्शन 2 एंड 3। अर्थात सेक्शन 4 में सेकेंड एंड थर्ड जो हमारे सिलेबस हैं उसी से हायर थिंकिंग क्वेश्चन, अर्थात
टू द टॉपिक, डायरेक्ट टू डायरेक्ट क्वेश्चन न पूछकर क्वेश्चन को इनडायरेक्टली घुमाकर पूछा जाता है। और क्वेश्चन बेस यहाँ पर रहेगा विंडो 10 एंड एमएस ऑफिस 16, इस पर आधारित रहेंगे हमारा ये कंप्यूटर का सिलेबस। तो चलिए आगे देखते हैं लॉजिकल रीजनिंग में किस प्रकार के क्वेश्चन है। फाइंड द मिसिंग नंबर इफ सेम रूल फॉलो इन द थ्री फिगर्स, ये तीन फिगर्स हैं, यहाँ पर ये क्वेश्चन मार्क है। तो यहाँ पर ये क्या आंसर आएगा ये हमें बताना है। वन और टू में जो नियम फॉलो किए जा रहे हैं उसी नियम के आधार पर हमें थ्री में बताना है कि कौन से नियम, इस दोनों नियम को फॉलो करके इसका आंसर क्या होगा। तो करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी 7। आप इसे सॉल्व करें और मुझे बताएं कमेंट के द्वारा कि आपका आंसर क्या आ रहा है। नेक्स्ट है सेलेक्ट द ऑड वन आउट ए बी सी एंड डी, करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ मेनी डिफरेंट वे कैन बी डॉग रीच इन द कैनल, ये डॉग जो है कैनल में पहुंचने के लिए कितने रास्तों से जा सकता है। तो चलिए हम कुछ रास्ता देखते हैं। यहाँ से एरो हुआ फिर इधर, फिर इधर, इधर 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 इधर, ये वन वे हो गया। इसी प्रकार आप इस तरफ करके देखेंगे, जिस तरफ से एरो अंदर की तरफ जा रहा है उधर से मूव करते हुए हम फाइंड करेंगे कि डॉग जो है कैनल में कितने रास्तों से होकर जा सकता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए 10। नेक्स्ट हमारा टॉपिक हो जाता है कंप्यूटर साइंस, जो कि सिलेबस है, उससे कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उसमें किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, चलिए ये हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन रिप्रेजेंट पॉलीगॉन टूल्स इन एमएस पेंट इन विंडो 10। विंडो 10 में एमएस पेंट में पॉलीगॉन के लिए किस तरह का सिंबल रिप्रेजेंट किया गया है, ए बी सी एंड डी। सो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, इस प्रकार का पॉलीगॉन के लिए एमएस पेंट 2010 में सिंबल रिप्रेजेंट किया गया है। नंबर 5, विच अमंग द फॉलोइंग इज अ कर्सर कंट्रोल इनपुट डिवाइसेस में से किसके द्वारा कर्सर को कंट्रोल इनपुट डिवाइस कहा जाता है, ए प्रिंटर, बी माउस बॉल ट्रैक, सी स्कैनर एंड डी जॉयस्टिक। सो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 6, द कंप्यूटर शुड बी प्रोटेक्ट फ्रॉम, एक कंप्यूटर को हमें किससे प्रोटेक्ट करना चाहिए, ए डस्ट, बी लिक्विड आइटम, सी लाइट या डी बोथ ए एंड बी। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए एंड बी, यानी लिक्विड आइटम एंड डस्ट, इन दोनों से हमें कंप्यूटर को प्रोटेक्ट करना चाहिए। थर्ड सेक्शन हमारा, इसमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आता है, जिससे किस प्रकार के क्वेश्चन होते हैं, चलिए देखते हैं। 7, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग एप्स, ये इमेज दिए गए हैं, इसमें हमें एप्स को आइडेंटिफाई करना है इसके स्टेटमेंट के आधार पर। इट इज एन ऐप डेवलप बाय यूट्यूब एंड इट ऑफर्स अ सेफ एंड कंट्रोल एनवायरनमेंट फॉर चिल्ड्रन एंड एक्सप्लोर एंड लर्न। इसमें से कौन सा है, ये यूट्यूब है, बी व्हाट्सएप, किड्स यूट्यूब एंड ऑल ऑफ दिस। सो करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, किड्स यूट्यूब। यूट्यूब के लिए अलग सा किड्स यूट्यूब आता है, ये इसका सिंबल है। नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग द फर्स्ट ह्यूमनाइड रोबोट टू गेट सैटेलाइटेशन, अर्थात इनमें से कौन सा ह्यूमनाइज रोबोट सबसे पहला नागरिकता प्राप्त करने वाला ह्यूमनाइज रोबोट है, ए वायमित्रा, बी सोफिया, सी मानव, डी अमिका। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी सोफिया। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, जो कि हमारा अचीवर सेक्शन से आ जाता है, नंबर 4th लास्ट सेक्शन है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट होल्ड्स ट्रू अबाउट इन एमएस 2016, ये जो सिंबल दिया गया इसके आधार पर ये कौन सा स्टेटमेंट सही है। स्टेटमेंट 1, यू कैन एक्सेस इट फ्रॉम द होम टैब, एंड स्टेटमेंट 2,
you can access it by pressing Ctrl plus X keyboard shortcut. So correct answer hai yahan par option A. You can access it from the home tab. Isme hum isko home tab mein use kar sakte hain. Number 10, a program that searches for web document with keyboard you specify. A. Search engine. B. Email. C. Website. D. Folder. करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए सर्च इंजन. तो आज के लिए इतना ही. आई होप आपको यह पता चल गया होगा कि कंप्यूटर साइंस क्लास 3 में सिलेबस क्या रहता है, क्वेश्चन के पैटर्न क्या रहते हैं. और भी प्रैक्टिस के लिए अगर आप क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर बने रहें. साथ ही मैं आपको यह भी बताना चाहूँगी कि क्लास 3 से SOF ओलंपियाड से रिलेटेड अदर सब्जेक्ट के लिए हमने एग्जाम डेट्स एंड क्वेश्चन पेपर सिलेबस एंड पैटर्न आपके साथ शेयर किया है. अगर आपने उसे नहीं देखा है तो आप उसे मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं. तो आज के लिए इतना ही. थैंक यू. प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए.